आज नवाबगंज नगर पालिका परिषद द्वारा गन्ना समिति के निकट जल निकासी बंद होने के चलते लोगों को निकलने में भारी दिक्कत को देखते हुए पालिका प्रशासन द्वारा एक बड़े नाले व दो सड़कों का आज पालिका अध्यक्ष शहला ताहिर व विधायक केसर सिंह गंगवार के साथ ही अन्य नगर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में शिलान्यास का कार्य शुरू करवा दिया गया। ये 14वें वित्त आयोग से शासन द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा जो धनराशि प्राप्त हुई 14वें वित्त आयोग से, उस धनराशि से लगभग 24 लाख रुपए से ये नाला मतलब वो पास हुआ था यूनियन बैंक से बड़ौदा बैंक तक। लेकिन विधायक जी के अनुरोध पर, वहाँ की जनता के अनुरोध पर, एक बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या ये है कि गन्ना समिति के वहाँ बरसों से पानी भरा रहता है और हर वजह हम लोगों को इंजन लगाकर पाइप से बाहर करना होता है, लेकिन वो अस्थायी व्यवस्था है। तो उस स्थायी व्यवस्था पूर्ण करने के लिए अब हमारे बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि हम गन्ना समिति के जहाँ पानी का भराव है, जल भराव है, वहाँ से सीधे SDM साहब की जो खुलिया है छोटी सी, वहाँ तक 2 फीट चौड़ा नाला RCC का उतने ही पैसे में, जितनी धनराशि आवंटित हुई है उसमें ये बना दें, जिससे कि वर्षा ऋतु करीब है, वर्षा करीब है, कोई जल भराव ना हो और जनता को, जो इंद्रनगर की जनता आए, गुलशन नगर की जनता आए और जो हमारे एजुकेटेड जनता, उसको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आज नवाबगंज में विधायक केसर सिंह गंगवार द्वारा गल्ला मंडी में खुले 4 सरकारी टोल सेंटर व क्षेत्र के अन्य टोल सेंटरों पर छापेमारी करी गई। सभी टोल प्रभारी को किसानों से गल्ला खरीदने को निर्देश दिए, कहा किसानों के साथ धोखाधड़ी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक वो एक कांटा उधर वाला जो है वो टोल नहीं कर रहे हैं, बाकी तो जो किसानों से बात की है तो वो किसान, जुनून किसानों ने जिनने बाकी तुलाया है, उन्होंने ये कहा कि हमने तुलाया है गल्ला, यहाँ पे कोई शिकायत खास मिली नहीं। सेंटर इंचार्ज भी दोनों जगह मिले हैं और तोल भी सही हो रही है। ये कांटे पे नहीं है, वो RFC को और DM साहब को FCI को कांटे पे नहीं है। DPRMO जो है वो आ भी रहे हैं मौके पे, और क्यों तोल नहीं कर रहे हैं वो वहाँ पे, क्यों उपस्थित नहीं रहता है वो जवाब बता नहीं मुझे। DM साहब को भी मैंने शिकायत की है। कुछ PCF के कांटे जो और जगह हैं, जैसे ईंद जागीर पे और आपका मटकापुर पे और एक बिशनपुर पे, ये कांटे जो है ये तोल सही नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में अभी मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, इसमें कार्रवाई होना सुनिश्चित करेंगे वो बताएंगे।